साथियों नमस्कार। अभी अभी की सबसे बेहद बुरी खबर इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसके अंदर की दर्दनाक खबर एक निकल कर सामने आ रही है। पूरे गांव के गांव में साथियों मातम पसर क्या है। सिर्फ साथियों बात करें, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस कदर की दर्दनाक खबर निकल कर सामने आ रही है जिसमें पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए हैं। तो साथियों आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सही जानकारी देंगे। बस आपसे निवेदन है, एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन है। खबर साथ इस वक्त की आ रही है जिसमें पुलिस ने बताया कि पिछले सिर्फ 12 घंटे में बात करें तो 7 और लोगों की मौत हो गई है। बोटादा पुलिस नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों में 31 बोटाद के विभिन्न गांवों के थे और 9 अहमदाबाद जिले के धंधुका तालुका के मूल निवासी थे। जी हां दोस्तों, अब तक बात करें करीब 58 लोगों की मौत हो गई है शराब पीने से। बताया जा रहा है कि दोस्तों कल ये 7 जैसे ही मौतें हुई है, मौतों का आंकड़ा 65 पर पहुँच चुका है। पुलिस ने इस मामले को अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि इन लोगों ने जहरीली शराब बेची है। वहीं इतनी बड़ी संख्या में मौतों को के सरकार भी सख्त हो गई है। जी हां दोस्तों, पहले तो 58 मौतें हुई थी लेकिन अब 7 मौतें और हो गई, लगातार बढ़ती जा रही है साथियों मौतों का आंकड़ा। बताया जा रहा है कि 65 के पार पहुंचने वाला है। घटना के बाद मंगलवार को गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। एक मृतक की पत्नी ने कहा है कि उसके पति की तबीयत रविवार रात को नकली शराब पीने के बाद बिगड़ने शुरू हो गई। नकली शराब पीने की वजह से अस्पताल में भर्ती हिम्मत भाई नाम के एक शख्स ने कहा कि कई लोग बीमार हुए हैं। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बोटादा में जहरीली शराब की घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और राज्य पुलिस बल को मादक पदार्थों की अवैध विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।